एम एम क्या है पहचान जाना चाहिए स्टेप वन बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आप लोग स्टार कर सकते हो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देखो अभी एम एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दिया है एम का वैल्यू क्या है लॉग ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस टू एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ऐसे दिया है डिफरेंशिएट किससे करोगे डेबा एम बाय डेबा वाई इज इक्वल टू बोलो लॉग का डेरिवेटिव वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर है y से कर रहे एक्स स्क्वायर का जीरो वाई स्क्वायर का टू वाई आया है बराबर है अभी लॉजिक लगाओ समझो देखो अगर अगर d बाय डी एक्स होता है और वन अपॉन एक्स अगर होता है तो क्या करते माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर लिखते पता है आपको बराबर है तो आप यहां पर देखो जरा नीचे y स्क्वायर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ऊपर टू एक्स स्क्वायर वाई के हिसाब से कौन है कॉन्स्टेंट है सो टू एक्स स्क्वायर आगे आ जाएगा बराबर है वन अपॉन का क्या रहेगा माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर उसका ब्रैकेट स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या है जीरो वाई स्क्वायर का क्या होगा टू वाई अरे है ओवरऑल ऑब्जर्व करो क्या लिखा जाएगा टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा जाएगा ध्यान देते माइनस ये इंटू है ना सब कुछ बोलो सो माइनस टू एक्स स्क्वायर इंटू टू वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई के साथ देखो बोलो कितना रहेगा फोर एक्स स्क्वायर वाई डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर होता है ओके उसको ऐसे रहने दो अभी एन को देखो समझो जरा एन एन इज इक्वल टू क्या है 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिफरेंशिएट किससे करोगे डेबा n बाय डेबा x से करेंगे x से करेंगे तो 2y कांस्टेंट है आगे आ जाएगा बराबर है और अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर रहे हो तो आप लोगों को दिखना चाहिए इधर है x से और नीचे भी क्या है x से सो डेरिवेटिव ऑफ u बाय v सबसे पहले नीचे क्या करते v स्क्वायर डेरिवेटिव कैसे लेते v डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बराबर है तो देखो सब लोग समझो पहले डिनोमिनेटर क्या है भाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर उसका ब्रैकेट स्क्वायर हो गया v स्क्वायर अभी v को लिखते हैं अपन पहले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा है बराबर है बताओ x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या है वन माइनस बोलो u का वैल्यू x आ रहा है बराबर है अभी बोलो v का डेरिवेटिव होना चाहिए तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू एक्स वाई स्क्वायर का क्या होगा जीरो आया अभी देखो 2y लिखा है ओके बताओ क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर हो सकता है बराबर है अभी आप लोगों को एक समझना है यहां से होशियारी रखनी है आप लोग एलसीएम सेपरेट करो एक ओके तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा बराबर है और दूसरा आपको सेपरेट करना है ऐसे तो आपको जल्दी मैचिंग हो जाएगा देखो अभी कैसे होगा ये लिखा टू वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक गया वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचता है बराबर है आगे क्या बचेगा माइनस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर आता है कोई डाउट यहां तक नो डाउट अभी टू वाई अंदर मल्टीप्लाई करो ब्रैकेट के अंदर सो क्या हो जाएगा टू वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है माइनस टू इंटू टू फोर
x square y divide by x square plus y square bracket square, ये कौन आ गया, डेबा by डेबा x। अभी आप लोग इसको चेक करो, क्या सेम लग रहे, सेम लग रहे। सो डेबा m by डेबा y इज इक्वल टू डेबा n by डेबा x, विच इज द एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आया, जब एग्जैक्ट हो जाता तो क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होगा, बोलो। तो स्टेप नंबर टू बताओ, जीएस का फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स व्हेन वाई इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी, हो सकता है, बराबर है। बोलो इंटीग्रेशन ऑफ एम, एम एम क्या है, लॉग वाला टर्म, बराबर है। देखो सो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी एक्स, क्या पर वाई इक्वल टू क्या है कॉन्स्टेंट, प्लस टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए, एन को देखो आप लोग के फ्री है एक्स से, नहीं है, तो आएगा तो क्या होगा, जीरो डी वाई इज इक्वल टू सी। अभी बताओ इसका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग, इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, हो सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जब ये नहीं हो सकता है, ध्यान दो, जब ये नहीं हो सकता है तो इसे एलिमिनेट कर देना, ठीक है। तो जब पहले वाले जनरल सॉल्यूशन से आंसर नहीं आता है तो दूसरा वाला जनरल सॉल्यूशन आपके सामने था, और क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ एन डी वाई व्हेन एक्स इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एम फ्री फ्रॉम, क्या होना चाहिए, देखो वाई था तो इधर क्या होना चाहिए, वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू सी। अभी इंटीग्रेशन ऑफ, अभी एन देखो, एन एन क्या था अपना, टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो देखो टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई आ गया, और इधर क्या है, एक्स इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एम फ्री फ्रॉम वाई, बोलो फ्री फ्रॉम वाई, क्या फ्री है वाई से, क्या फ्री है वाई से, नहीं, तो दोनों के लिए क्या हो जाएगा, जीरो डी एक्स इज इक्वल टू सी। अभी आपके ऑब्जर्वेशन का खेल है, एक्स क्या है कॉन्स्टेंट है, बराबर है, तो टू एक्स इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, अंदर बचता क्या है, या टू को मत निकालो, सिर्फ एक्स को बाहर निकालो, सो टू वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू सी आ रहा है, बराबर है। अभी हमने एक फॉर्मूला लर्न किया था, देखो अगर नीचे फंक्शन ऑफ एक्स है और ऊपर अगर उसका डेरिवेटिव आता है तो लिखा जाता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, दिस इज द फॉर्मूला। एंड देयरफॉर अगर आप देखोगे तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स तो कांस्टेंट है तो उसका क्या होगा, जीरो, बराबर है। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होना चाहिए, टू वाई, तो आ रहा है ऊपर एडजस्ट हो रहा है, तो फाइनली क्या लिखा जाएगा, एक्स इंटू log of x square plus y square equal to c, and which is the answer. समझा है, लिखो। Step one. एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, एम एम क्या है, वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स, वाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर माइनस वन अपॉन एक्स है, डिफ्रेंशिएट किससे करना पड़ेगा, वाई से, डेबा एम बाय डेबा वाई इज इक्वल टू, अगर आप देख रहे हो तो ऊपर आपको u दिख रहा है, u दिख रहा है, ये हो गया u और ये पूरी टर्म हो गई v, क्या u अपॉन v लगेगा,
डेरिवेटिव ऑफ यू अपॉन वी क्या होता है, लास्ट एग्जांपल में देखा था नीचे वी स्क्वेयर, वी डेरिवेटिव ऑफ यू माइनस यू डेरिवेटिव ऑफ वी, बराबर है। सो बोलो कैसे होगा, y माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर है ऑलरेडी, और क्या होगा स्क्वेयर होगा, बोलो y माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर लिख दिया, y स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2y माइनस y स्क्वेयर लिख दिया, y माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 आ गया आएगा, y माइनस एक्स लिखा जाएगा बराबर है, y का 1 x का 0 तो 1 माइनस 0 आता है, माइनस 1 अपॉन एक्स से लेकिन y के हिसाब से क्या हो जाएगा वो 0 आया है। सो देखो अभी ध्यान देते हैं, आपको ऑब्जर्वेशन के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। देखो अगर आप देख रहे हो यहां पर तो आपको y माइनस एक्स दो दिख रहे हैं आपको, और अगर आप यहां देखोगे तो आपको एक दिखाई दे रहा है, टोटल अगर आप देखोगे तो y माइनस एक्स कॉमन आ सकता है बराबर, तो अंदर बचता क्या है y माइनस एक्स इंटू ये क्या है 2y, समझ रहे क्या बराबर है, बाद में क्या बचता है देखो माइनस 2y स्क्वायर आता है क्योंकि ये तो चला गया ना बाहर आ गया, डिवाइड में क्या रहता है y माइनस एक्स पावर का पावर प्रोडक्ट तो कितना रहेगा y रेस टू 4 याद है। सो एक y माइनस एक्स, एक y माइनस एक्स जाएगा तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे ओवरऑल देखो, सो डिवाइड वाला देखोगे y माइनस एक्स रेस टू 3 लिख दिया है, अभी ये 2y से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो तो 2y इंटू y 2y स्क्वायर आएगा माइनस बोलो 2xy हो जाएगा बराबर है। अभी क्या बचता है, अभी ये वाला है 2y स्क्वायर, सो प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर जा रहा है, ओवरऑल रहता क्या है माइनस 2xy अपॉन y माइनस x ब्रैकेट क्यूब आ रहा है, सो ये कौन आ गया डेपा m बाई डेपा y वाला। अभी आगे देखेंगे n वाला देखते हैं, n वाला मैं इधर लिख रहा हूं थोड़ा, n इज इक्वल टू क्या है n देखो 1 अपॉन y माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन एक्स माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर है, सो डैबा n बाय डैबा x करोगे तो 1 अपॉन y कॉन्स्टेंट है हो जाएगा 0। अभी आप देखोगे, देखो ऊपर वाला है u नीचे वाला है v, फिर से u अपॉन v लगाओ लगाओ बोलो क्या रहेगा, ये माइनस को एज इट इज रख लो, डिवाइड वाला x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर उसका क्या होगा स्क्वेयर बराबर है, जब स्क्वेयर ब्रैकेट लगा रहे हो तो आपको ये वाला यूज करना पड़ेगा करली, ध्यान में रखना गलती नहीं होना चाहिए ये करली होगी। बोलो दो x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर भी लिखा, x स्क्वेयर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x 2x आया माइनस x स्क्वेयर लिखा x माइनस वाई ब्रैकेट स्क्वेयर का डेरिवेटिव 2 आ गया आएगा, x माइनस वाई लिखा जाएगा 2 माइनस 1 इस तरह होता है ना, x का डेरिवेटिव 1 y का 0 आया है। अभी देखो जरा लास्ट एग्जांपल जैसे आपको समझना चाहिए, कॉमन कौन निकल रहा है x माइनस वाई कॉमन निकल रहा है बराबर है, और उसके आगे ये माइनस वाला था भाई उसको भूलना नहीं, ये माइनस था बराबर है। अभी देखो अंदर ब्रैकेट में बचता क्या है x माइनस वाई इंटू टू एक्स बचता है बराबर है, यहां से x माइनस वाई तो बाहर आ गया तो अंदर बचता कौन है 2x स्क्वायर, अरे क्या डिवाइडेड बाय x माइनस वाई रेस्ट टू कितना है आया है आया। अभी देखो जरा तो क्या हो रहा है, देखो यहां से ये गया तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे बराबर है, सो क्या लिखा जाएगा देखो माइनस देखो समझो 2x इंटू एक्स मल्टीप्लाई कर रहे 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2x स्क्वायर, अरे भाई आ रहा
डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई रेस टू थ्री आ रहा है क्या? बरोबर है. सो प्लस वाला माइनस वाला जा रहा है, माइनस माइनस क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है. देखो देखो तो क्या हो रहा है, प्लस टू एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई ब्रैकेट क्यूब हो रहा है. लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो माइनस टू एक्स वाई अपॉन वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब था. तो एक्स माइनस वाई क्या हम लोग माइनस कॉमन निकाल सकते हैं? माइनस कॉमन निकाल सकते. तो माइनस वन का क्यूब कॉमन निकाल रहे, बराबर है. तो अंदर कैसे लिखते आएगा बोलो? माइनस एक्स प्लस वाई ब्रैकेट क्यूब लिखा जाता है, बराबर है. माइनस वन का क्यूब इज माइनस, ऊपर आ जाएगा तो क्या लिखा जाएगा? माइनस टू एक्स वाई. अरे आएगा, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं अभी, वाई माइनस एक्स ब्रैकेट क्यूब विच इज नथिंग बट डैबा एन बाय डैबा एक्स. और पिछला क्या था? डैबा एम बाय डैबा वाई. क्या मैचिंग कर रहा है? मैचिंग कर रहा है. अभी अगला स्टेप बोलो. सो अगले स्टेप में, स्टेप नंबर टू, जीएस इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स व्हेन वाई इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म सीन एन फ्री फ्रॉम एक्स डी वाई इज इक्वल टू सी. इस तरह होना चाहिए. सो इंटीग्रेशन ऑफ एम बताएंगे, बोलो. एम 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 क्या था? वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर, बराबर है माइनस वन अपॉन एक्स. सो वाई स्क्वेयर अपॉन वाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वेयर क्या था? माइनस था, बोलो. माइनस माइनस वन अपॉन एक्स इंटू टी एक्स प्लस टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स बना चाहिए, बोलो. वन अपॉन वाई आएगा, बराबर है. सो क्या होगा? वन अपॉन वाई डी वाई इज इक्वल टू सी. अभी बताएंगे इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा. y कॉन्स्टेंट निकल गया, वेरी गुड, निकला. बोलो वन अपॉन y माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, बराबर है डी एक्स माइनस बाहर वन अपॉन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन y डी वाई इज इक्वल टू सी आएगा. बताओ क्या करे? नहीं देखो, अभी समझो आप लोग. देखो इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स क्या होता है? वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स होता है, ठीक है. अभी आपको एक और आइडिया देता हूं. देखो अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है, ओके, तो आप लोग इसका क्या करते? ऊपर जाएगा तो एक्स एस टू माइनस टू हो जाएगा. ऊपर गया तो एक्स एस टू माइनस टू. एक्स एस टू माइनस टू का क्या होगा? एक्स एस टू माइनस वन अपॉन माइनस वन प्लस सी, ऐसा आता है ना. तो ओवरऑल क्या लिखा जाता है? माइनस वन अपॉन एक्स प्लस सी लिखा जाता है, बराबर है. तो आप थोड़ा सा लॉजिक लगाओ. देखो वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स होता है तो उसका आंसर क्या होता है? माइनस वन अपॉन एक्स. तो वन अपॉन वाई माइनस एक्स ब्रैकेट स्क्वायर है, किससे कर रहे? तो क्या लिखा जाएगा? लॉजिक लगाओ भाई, लॉजिक लगाओ तो ये हो सकता है. देखो अभी क्या हो सकता है? y स्क्वेयर इंटू माइनस वन अपॉन वाई माइनस एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का log x प्लस log y इज इक्वल टू सी. इन दोनों को देखो, log m माइनस log n होता है तो क्या लिखा जाता? log ऑफ m बाय n लिखा जाता है. तो बोलो माइनस y स्क्वेयर अपॉन y माइनस x log m माइनस log n क्या लिखा जाएगा? log ऑफ y बाय x इज इक्वल टू c विच इज द आंसर. स्टेप वन क्या करो ना, करो ना. A1 is equal to 1, B1 is equal to minus 2, A2 is equal to 2, B2 is equal to 1. If B1 is equal to minus A2,
then exact differential equation. B1 होता है माइनस टू माइनस और A2 होता है टू. सो सेम आ रहे इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. स्टेप नंबर टू, जनरल सॉल्यूशन इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स व्हेन वाई इज अ कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स dy इज इक्वल टू सी. सो इंटीग्रेशन ऑफ m, m m क्या है, m है x माइनस टू वाई प्लस फाइव इंटू डी एक्स वाई इज इक्वल टू सी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम x, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए माइनस वाई प्लस वन डी वाई इज इक्वल टू सी. तो होगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस टू वाई बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 5 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज इक्वल टू सी होता है. देयरफॉर x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस 2y x प्लस 5x माइनस y स्क्वायर बाय 2 प्लस y इज इक्वल टू सी विच इज द आंसर. सेकंड, dy बाय dx इज इक्वल टू tan y माइनस 2xy माइनस y डिवाइड बाय x स्क्वेयर माइनस x tan स्क्वेयर y प्लस 6 स्क्वेयर y. ओके देखो ये एग्जांपल अगर आप देख रहे हो तो क्या हमें डायरेक्टली दिख रहा है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू जीरो? नहीं दिख रहा है, लेकिन हमें अगर सॉल्व करना है तो उसको वैसे बनाना पड़ेगा. ठीक है, देखो अभी स्टेप वन समझो. स्टेप वन बोलो कैसे करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके तो क्रॉस मतलब ये इधर मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला इसको मल्टीप्लाई करेगा. तो देखो अभी क्या होता है, x स्क्वेयर माइनस x tan स्क्वेयर y प्लस 6 स्क्वेयर y इंटू dy आ रहा है ये और dx इसे कर रहा है. सो इक्वल टू tan y माइनस 2xy माइनस y मल्टीप्लाई बाय dx हो रहा है, लेकिन हमारा नन होना चाहिए भाई, m dx होना चाहिए, m dx प्लस n dy. तो ये m dx हो रहा है. अभी इधर वाली dy वाली टर्म उधर जा सकती है राइट हैंड साइड में, तो क्या होता है माइनस, बराबर है, प्लस वाला माइनस होता है, माइनस अगर होगा तो प्लस होगा. तो क्या लिखोगे देखो अभी, tan y माइनस 2xy माइनस y और dx लिख दिया, बराबर है. अब ये टर्म उधर जाएगा तो एक साथ मैं प्लस लिख रहा हूं और अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करो तो माइनस x स्क्वेयर प्लस x tan स्क्वेयर y प्लस 6 स्क्वेयर y dy माइनस होगा, बराबर है, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस, सिक्स स्क्वायर वाई डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ऐसे होता है. अभी कौन से फॉर्म में चाहिए हमें, हमें चाहिए एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में चाहिए था. तो कंपैरिजन करोगे तो आपको एम का वैल्यू मिल रहा है टेन वाई माइनस टू एक्स वाई माइनस वाई, व्हाट अबाउट एन, एन का वैल्यू माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स टेन स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई है भाई. अभी एम को देखो जरा डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू वाई, डेबा एम बाय डेबा वाई, टेन वाई का डेरिवेटिव सिक्स स्क्वेयर वाई लर्न किया था ना. अभी वाई से कर रहे, वाई से कर रहे तो वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई वन, तो बचेगा कौन, माइनस टू एक्स, बराबर है.
y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y माइनस 1। अभी देखो क्या आपको पता है, आपको याद होगा, देखो जरा 1 प्लस टैन स्क्वेयर थीटा होता है sec स्क्वेयर थीटा, याद है आपको? तो आप ऊपर वाला देखो और थोड़ा एडजस्ट कराने का कोशिश करो। देखो ये 1 उधर जाएगा तो माइनस हो सकता है, तो टैन, अभी देखो sec स्क्वेयर बाय माइनस 1, sec स्क्वेयर थीटा माइनस 1 इज टैन स्क्वेयर थीटा, तो sec स्क्वेयर बाय माइनस 1 लिख सकते क्या इनको और इनके बारे में डायरेक्टली? बोलो क्या लिख सकते? टैन स्क्वेयर y माइनस 2x विच इज नथिंग बट डैबा m बाय डैबा y, और उसे छोड़ दो। ओके अभी डैबा n बाय डैबा x, बोलो x से कर रहे तो क्या रहेगा? माइनस 2x बराबर है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, तो सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा? n स्क्वेयर y, sec स्क्वेयर y कांस्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू x 0, तो ओवरऑल डैबा n बाय डैबा x इज इक्वल टू टेन स्क्वेयर y माइनस 2x लिखा जा सकता है। अगर आप दोनों का RHS देख रहे हो तो सेम है, तो LHS क्या होगा? डैबा m बाय डैबा y इज इक्वल टू डैबा n बाय डैबा x, ये होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आया है? अभी स्टेप 1 हो गया, अभी क्या आएगा? स्टेप नंबर 2 प्रॉपर लिखना। तो GS इज फॉर्मूला क्या था बोलो? इंटीग्रेशन m dx क्या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम क्या होना चाहिए? x इंटू dy इज इक्वल टू c, बराबर है? तो अभी आप लोग अच्छे से मुझे m बताएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ y इज इक्वल टू c, m बताओ, m tan y माइनस 2xy माइनस y और मल्टीप्लाई बाय dx बराबर है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x। अभी n को देखो, ये चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? ना नहीं चलेगा, टैन स्क्वेयर वाई वाला और ये x है, चलेगा? नहीं, लेकिन sec स्क्वेयर वाई अकेला है तो फ्री फ्रॉम x हो गया तो ये चलेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस sec स्क्वेयर वाई डी वाई इज इक्वल टू सी। तो अभी tan y तो कांस्टेंट है भाई, क्योंकि y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो tan y बाहर आ गया, कुछ नहीं है, 1 dx माइनस 2y बाहर आ सकता है, x dx लिख सकते, माइनस y कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 dx माइनस बाहर आएगा इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वेयर y dy इज इक्वल टू c, हो सकता है? अभी देखो tan y लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx आपको बोला ना मैंने, माइनस 2y लिखा, देखो ये गया x इंटू x, x स्क्वेयर y 2, अरे लॉजिक लगाया अपन ने, इन्वेंशन किया है, माइनस y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x माइनस sec स्क्वेयर y का tan y इज इक्वल टू c। क्या ये टू जा रहा है? ओवरऑल क्या लिख सकते हैं? x इंटू tan y माइनस x स्क्वेयर y माइनस एक्स वाई माइनस tan y इज इक्वल टू c, एंड विच इज द आंसर। थर्ड एग्जाम्पल वाई स्क्वेयर ई रेज टू एक्स वाई स्क्वेयर प्लस 4x³ dx प्लस 2xy ई रेज टू एक्स वाई स्क्वेयर माइनस 3y स्क्वेयर dy इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखो
सिगरेट। अभी ये एग्जांपल डायरेक्टली आपको कौन से फॉर्म में दिख रहा है, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में दिख रहा है आपको, बराबर है, ध्यान दो सब लोग। तो m का वैल्यू, m का वैल्यू क्या है, y स्क्वायर e रेस टू x y स्क्वायर प्लस 4x क्यूब। पहले अभी हम लोग m को डिफरेंशिएट कर लेते, बाद में n को करेंगे, ठीक है। देखो अभी डाबा m बाय डाबा y बोलो, तो y से कर रहे, ओके y से कर रहे, तो आपको यहां भी y दिख रहा है, यहां भी y दिख रहा है ना। सो अगर आपको याद होगा तो हम लोगों को पता है ये u माना जाएगा, ये टर्म u माना जाएगी और ये पूरी टर्म v माना जाएगी, बराबर है। अभी डेरिवेटिव ऑफ uv आपको याद है, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u होता है, बराबर है। सो यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो क्या होगा, देखो मैं थोड़ा नीचे से लिखता हूं, डाबा एम बाय डाबा वाई। देखो अभी वाई स्क्वेयर लिखा, बराबर है, डेरिवेटिव ऑफ दिस, ई रेस टू का डेरिवेटिव ई रेस टू ही रहता है, ई रेस टू एक्स वाई स्क्वेयर, बराबर है। किससे कर रहे आप लोग, वाई से कर रहे, तो वाई के आगे कौन है, एक्स, सो मल्टीप्लाई वाई किससे होगा, बोलो वाई स्क्वेयर का डेरिवेटिव क्या होगा, टू एक्स वाई, सो कंप्लीटली क्या होगा, टू एक्स वाई प्लस, ये आधा हुआ। अभी दूसरा सेकंड ई रेस टू एक्स वाई स्क्वेयर वी लिखा, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वेयर आया है, अभी इतना ऐसे ही रहने दो तो भी जम जाएगा। अभी एन लिखते, ओके एन इज इक्वल टू प्लस फोर एक्स क्यूब रह गया, लेकिन फोर एक्स क्यूब तो कांस्टेंट है ना, जीरो। एन बोलो n क्या है, 2xy e raise to xy square minus 3y square है, बराबर है। अभी इसे हमें डिफरेंशिएट करना है किससे, डाबा n बाय डाबा x से। तो अभी फिर से ऑब्जर्व करो आप लोग, अच्छे से देखो, x से कर रहे तो x माने अभी हमको u मानना पड़ेगा और e raise to वाला, सो देखो x और e रेस्ट टू एक्स वाई स्क्वायर में u इंटरव्यू होगा तो 2y आगे आ सकता है, बाहर ले लो, तो बाहर आ गया। तो देखो u मतलब x एज इट इज, e रेस्ट टू का डेरिवेटिव e रेस्ट टू एक्स वाई स्क्वायर, अभी हम लोग डेरिवेटिव किससे कर रहे, x से कर रहे, तो x से कर रहे, x का हो गया 1, लेकिन मल्टीप्लाई बाय कौन होगा, वाई स्क्वायर, बराबर है। प्लस सेकेंड टर्म बोलो, सेकेंड टर्म कौन है, वी e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर एज इट इज, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अरे आ रहा 1, अभी क्लोज, माइनस 3 वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स कांस्टेंट है। अभी देखो 2y से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो आपको पहले टर्म जैसा मिलेगा, डाबा एन बाय डाबा x इज इक्वल टू, बोलो क्या रहेगा, 2x y इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस, अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, 2y e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर। देखो अभी दिख रहा है क्या, अरे दिख रहा है, अभी अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे ही आ जाएगा, डाबा m बाय डाबा y इज इक्वल टू 2xy इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2y आगे e रेस टू एक्स वाई स्क्वायर, हो सकता है, हो सकता है, और कॉमन निकालना निकालो, इतना करना है तो भी चलेगा। तो अभी एग्जैक्ट आ रहा है, देखो एस आर एच एस इज सेम सो एल एच एस इज ऑल्सो सेम, डाबा एम बाय डाबा वाई इज इक्वल टू डाबा एन बाय डाबा एक्स, सो दिस इज नथिंग बट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, हो गया। अभी देखो स्टेप नंबर 2, बोलो जीएस इज, बार बार रिपीट हो रहा है, फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एम डी एक्स वेन वाई इज कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम
free from x into dy is equal to c. बराबर है इंटीग्रेशन y is equal to c. What about m? y square e raised to xy square plus 4x cube into dx बराबर है प्लस टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x बोलो n n n क्या आएगा आएगा ना माइनस 3y स्क्वेयर dy इज इक्वल टू c बराबर है. अभी देखो जरा y क्या है भाई कांस्टेंट है बराबर है तो y वाली टर्म बाहर निकाल लो y कांस्टेंट वाली टर्म बाहर निकाल लो तो y स्क्वेयर बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x y square dx plus constant कौन है 4 बाहर आ जाएगा x cube into dx बचता है आगे बोलो minus 3 बाहर आ जाएगा y square dy is equal to c होगा अरे होगा अभी y square लिखा e raised to का integration e raised to ही रहता है हो गया लेकिन हमने इंटीग्रेशन जब लर्न किया था आपको याद होगा x के आगे जो होता है उसे डिवाइड कर दे तो अभी x के आगे हो या पीछे हो y स्क्वायर से डिवाइड होगा तो डिवाइड बाय y स्क्वायर प्लस 4 x क्यूब का इंटीग्रेशन देखो आपको क्या बोला देखो शॉर्टकट है इंटीग्रेशन गया d गया x क्यूब * x x * 4 इतना बेसिक आना चाहिए x is to 4, 4 लिखा तो divided by minus 3, y square देखो, integration गया, d गया, y square into y, divided by 3 is equal to c, क्या 3, 4, 4, y square जा रहा है, तो finally क्या रहेगा, e raised to xy square plus x is to 4 minus y cube equal to c, which is the answer. लिखो देखो अभी स्टेप वन m dx प्लस n dy इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है सो m का वैल्यू बताएंगे क्या है 2x बाय y क्यूब m है बराबर है अभी समझो m is equal to 2x नीचे y cube ऊपर जाएगा तो कितना रहेगा y raised to minus 3 differentiate किससे करना है dyaba m by dyaba y तो 2x as it is लिखा ठीक है y raised to minus 3 का derivative क्या रहेगा minus 3 आगे आएगा y raised to minus 3 minus 1 हो जाएगा ये पूरा bracket में लिख सकते हो so dyaba m by dyaba y is equal to देखो 2 into minus 3 कितना आता है minus 6x लिख सकता हूँ y raised to कितना आ रहा है minus 4 नीचे आया तो कितना रहेगा y raised to plus 4 अरे हे अभी n का वैल्यू क्या है देखो अभी y square minus 3x square upon y raised to 4 है आप लोग इसे क्या करो आप लोग इसका LCM सेपरेट कर लो ठीक है तो क्या होगा y square upon y raised to 4 होगा minus 3x square upon y raised to 4 होगा होगा अभी n is equal to क्या लिख सकते हैं 1 upon y square हो सकता है दो गए तो दो बचेंगे बराबर है अभी minus देखो 3x square upon y raised to 4 आ रहा है ठीक है ना डिफरेंशिएट करो डायबा n बाय डायबा x 1 अपॉन y स्क्वायर कांस्टेंट है 0 माइनस देखो अभी 3 x स्क्वायर का क्या होगा 2x अपॉन y रेस्ट टू 4 हो सकता है सो फाइनली डायबा n बाय डायबा x इक्वल टू माइनस 6x अपॉन y रेस्ट टू 4 आ रहा है क्या बराबर है दोनों का एलएचएस देखो dyaba m by dyaba y is equal to dyaba n by dyaba x होता है सो इसे क्या बोलोगे
एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. बोलो किसी का आया था? गुड. अभी स्टेप नंबर टू बताओ. स्टेप नंबर टू क्या करना है? फॉर्मूला लर्न हो जाना चाहिए. जीएस इस रुको जीएस इज इंटीग्रेशन एम टी एक्स व्हेन वाई इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. बराबर है. अभी m का वैल्यू देखेंगे. सो इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट अबाउट m? 2x अपॉन y क्यूब इंटू dx. y क्या है? कॉन्स्टेंट. प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन n फ्री फ्रॉम x डिवाइड इक्वल टू c. अगर आप लोग इसे देखोगे तो तकलीफ होगा कि कैसे कॉमन निकालना. लेकिन अगर आप नीचे वाले को देखोगे तो आपको जम सकता है. या नीचे वाले को देखो. बराबर है. अगर आप इसको देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. बराबर है. टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए. वन अपॉन वाई स्क्वायर आएगा. आ सकता है. सो वन अपॉन वाई स्क्वायर. क्या ये वाला आएगा? थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर वाला आ सकता है? नहीं. सो डायरेक्टली डी वाई इज इक्वल टू सी. कॉन्स्टेंट कौन है? वाई क्यूब. तो बाहर आ जाएगा. बराबर है. क्या टू भी कॉमन आ जाएगा बाहर? तो बचता कौन है? एक्स और डी एक्स. आगे प्लस इंटीग्रेशन ऑफ नीचे है ऊपर जाएगा तो वाई रेस टू माइनस टू डी वाई इक्वल टू सी आ सकता है. बराबर है. अभी देखो टू बाय वाई क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस वाई रेस टू माइनस टू का वाई रेस टू माइनस टू प्लस वन मतलब माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन इज इक्वल टू सी. अरे आ रहा है. क्या टू और टू कैंसिल हो सकता है? बराबर है. एक्स स्क्वायर अपॉन वाई क्यूब माइनस आगे आएगा रेस टू माइनस है नीचे आएगा तो वन अपॉन वाई इज इक्वल टू सी. दिस इज द आंसर. ऐसा एक फॉर्म रहता है. वो फॉर्म क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन अपॉन ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू रहता है. ओके. अगर इफ बी वन इज इक्वल टू माइनस ए टू अगर आ जाता है ठीक है तो इफ बी वन इज इक्वल टू माइनस ए टू अगर आ जाता है तो उसे बोला जाता है इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है. तो अगर आप यहां पर कंपेयर करोगे स्टेप नंबर वन अगर आप यहां पर कंपेयर कर रहे हो तो b1 का वैल्यू क्या मिल रहा है आपको? b1 इज इक्वल टू माइनस थ्री मिल रहा है. बराबर है. एंड अगर आप a2 देख रहे हो तो a2 का वैल्यू क्या मिल रहा है? थ्री मिल रहा है. a2 इज इक्वल टू थ्री मिल रहा है. बराबर है. सो देखो जरा b1 का वैल्यू b1 इज इक्वल टू माइनस a2 आना चाहिए तो b1 का वैल्यू क्या आ रहा है? थ्री है ना. या माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस ए टू का वैल्यू क्या आ रहा है? थ्री. तो क्या ये सेम है क्या? अगर सेम है तो इसको बोला जाता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन. और जब ऐसा होता है तो डायरेक्टली आपको लगाना होता है जीएस जनरल सॉल्यूशन. ठीक है. सो स्टेप नंबर टू और वो समझ के करना होता है. जीएस इज इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स व्हेन वाई इज ए कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. इस तरह होता है. अभी एम का वैल्यू देखेंगे. इंटीग्रेशन ऑफ एम. बोलो एम अभी कैसे निकालेंगे? एम ये टर्म उधर जाएगी ये टर्म इधर आई मल्टीप्लाई किया ना डी एक्स तो एम क्या हो गया? डायरेक्टली आना चाहिए टू एक्स माइनस थ्री वाई प्लस वन इंटू डी एक्स वाई इज ए कॉन्स्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टर्म्स इन एन फ्री फ्रॉम एक्स होना चाहिए. ये टर्म उधर गया था फिर से इधर भी आया था. बराबर है. तो माइनस फोर वाई होगा एंड प्लस फाइव तो माइनस फोर वाई प्लस वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू सी. सो टू बाहर. बराबर है. एक्स डी एक्स माइनस थ्री वाई बाहर कुछ नहीं है वन डी एक्स
बोलो प्लस इंटीग्रेशन ऑफ वन डी एक्स, बोलो माइनस फोर इंटीग्रेशन ऑफ y dy प्लस y इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू c. ओके देखो अभी 2x का x स्क्वायर बाय 2 माइनस 3y इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx x बराबर है माइनस 4 y का y स्क्वायर बाय 2 प्लस 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy इज y इज इक्वल टू c. 2 1 जा 2 2 जा 2 2 कैंसल तो क्या रहेगा x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस x माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y इज इक्वल टू c विच इज द आंसर.